इंस्टाग्राम रील्स अपलोड करने का सही तरीका क्या है ताकि आपके एक अच्छे खासे फैन फॉलोअर हो सके एंड आपको आपकी फाइनली रील्स पर एक अच्छा खासा व्यूज मिले ताकि आप एक जबरदस्त अच्छी खासी अर्निंग भी कर सके। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी, आप देख रहे हैं टेक्निकल दद्दा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन भैया दबाना बिल्कुल न भूलें। चलिएगा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। रील्स अपलोड करने का सही तरीका क्या है ताकि आपकी रील्स पर एक अच्छे खासे व्यूज आए, आपको एक अच्छी खासी अर्निंग हो एंड साथ ही गाइज आपके एक अच्छे खासे फैन फॉलोअर बेस आपका यहाँ पर बन सके। अभी यहाँ पर गाइज मैं खुद की प्रोफाइल पर क्लिक करूंगा तो गाइज आपको मेरे रील्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, टोटल फॉलोअर्स आपको देखने को मिल जाएंगे 141,000 अभी यहाँ पर फॉलोअर्स हो गए। कल की मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको 139,000 फॉलोअर दिखाया था, अभी 141,000 हो गए। डेली 1,000-2,000 फॉलोअर्स मेरे इंक्रीज हो रहे हैं। तो गाइज मैंने कल वाली वीडियो में आपके साथ ये भी तरीका बता रखा है कि अगर आप भाई डेली यार बिना कुछ किए 1,000-2,000 फॉलोअर्स रियल फॉलोअर्स इंक्रीज करना चाहते हो तो गाइज आप कल वाली वीडियो वॉच कर लो अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किया। अभी यहाँ पर गाइज अगर हम लोग बात करें कि यार फाइनली जो है इंस्टाग्राम रील्स अपलोड करने का सही तरीका क्या है ताकि आपकी रील्स पर एक अच्छे खासे व्यूज आपको मिल सके, 22 मिलियन, 9 मिलियन, 14 मिलियन, 10 मिलियन इस तरीके आपको व्यूज मिले, मतलब एक जबरदस्त अगर आपकी रील्स पर व्यूज आएगा फिर भैया आपकी रील्स अगर वायरल होगी तो यहाँ पर गाइज आपको फॉलोअर्स ऑटोमेटिक आपको मिलेंगे। एंड अगर आप बिना रील्स अपलोड किए भी अगर आप फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हो तो उसका भी तरीका आपको कल वाली वीडियो में शेयर कर दिया है। और अभी फाइनली अगर आपको जो है एक अच्छा खासा व्यूज मिलेगा आपकी रील्स पर तो अर्निंग भी फाइनली गाइज आपको यहाँ पर एक जबरदस्त अर्निंग कमाई आपकी यहाँ पर होने वाली है। तो आखिरकार रील्स अपलोड करने का बेस्ट टाइम क्या है? अगर गाइज देखो आप यार कितनी भी अच्छे तरीके से यार रील बना लो अगर आप उसको सही तरीके से अपलोड नहीं कर रहे फिर भी भैया आपकी जो रील्स है ना वो अच्छा खासा व्यूज लेके नहीं आएगी, वायरल नहीं होने वाली। इसका प्रूफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पर गाइज मैंने जो है इसको चेक करने के लिए मैंने गाइज अभी क्या किया कि कभी तो मैं रील्स को मॉर्निंग में अपलोड करता हूँ, कभी इवनिंग में अपलोड करता हूँ, कभी आफ्टर में अपलोड करता हूँ ताकि मैं एक बेस्ट टाइम सर्च कर सकूँ, उसको आपके साथ शेयर कर सकूँ। और मैंने इस पर जो है सर्च भी किया और आपके साथ भी मैंने इस चीज़ को शेयर कर दिया है। इस टॉपिक पर भी आपको एक वीडियो मेरी मिल जाएगी कि अभी फाइनली जो है इंस्टाग्राम रील्स अपलोड करने का बेस्ट टाइम क्या है। और मैं अगर उस टाइम पर रील्स अपलोड करता हूँ तो मेरी रील्स जो है वो यार मैं बोलूँगा कि 4 गुना ज़्यादा यार व्यूज़ लेके आती है। आपको भी उस टाइम पर रील्स को अपलोड करना चाहिए। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक वॉच नहीं किया तो नीचे आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी कि फाइनली यार इंस्टाग्राम रील्स अपलोड करने का बेस्ट टाइम क्या है। अब देखो अगर आपने जो भी रील्स बनाई है उसको अगर आपने सही तरीके से नहीं बनाया, सही तरीके से अपलोड नहीं किया फिर भी आपको व्यूज नहीं मिलेगा। तो फाइनली यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि यार इंस्टाग्राम रील्स आपको जो है सही तरीके से कैसे अपलोड करनी है तो यहाँ पर गाइज आपको देखो यहाँ पर प्लस वाला आइकन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर मत जाना। आप यहाँ पर जो ये रील्स वाला सेक्शन देखने को मिलता है इस पर क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे अभी यहीं पर गाइज आपको ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा कैमरे वाला आइकन। इस कैमरे वाले आइकन पर यहाँ पर आना एंड यहाँ से क्लिक करना तो यूट्यूब का सॉरी जो है यहाँ पर इंस्टाग्राम का जो सिस्टम है ना उसको पता चलेगा कि भाई ने एक रील जो है न्यू रील क्रिएट किया है। और इस सिस्टम पर गाइज आपको फाइनली जो है अभी ज़्यादा बूस्ट देता है इसका जो इंस्टाग्राम का जो सिस्टम है, मतलब आप इस सेक्शन पर आके अगर रील सेक्शन पर आकर अगर आप वीडियो को शूट करते हो एंड उसके बाद अपलोड करने का क्या सही तरीका वो तो आपके साथ शेयर ही कर रहा हूँ। बट अगर आप जो है इंस्टाग्राम के रील सेक्शन पर आकर अगर आप वीडियो को शूट करोगे या गाइज अगर आपने पहले से शूट कर रखा है तो यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा एंड यहाँ से अगर आप अपलोड करोगे ना तो ये सही तरीका होता है। एंड आगे और भी कुछ सेटिंग है जो कि आपको करना चाहिए। तो अभी यहाँ पर गाइज देखो आपको जो वीडियो अपलोड करनी है सबसे पहले तो आप उस वीडियो को शूट कर लो या सेलेक्ट कर लो अपनी मोबाइल फोन की गैलरी से। तो यहां पर गाइज मैंने जो है अपनी वीडियो को सेलेक्ट कर लिया और एक चीज आपके साथ जो कि शेयर करना चाहूंगा कि गाइज आप जो भी यार इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हो ना कोशिश करना गाइज कि आप 8 से लेकर 9 सेकंड के बीच में ही बनाना, 8-9 सेकंड की आप जो है उसकी ड्यूरेशन रखना एंड लेंथ रखना एंड उसके बाद जो है आप अपनी वीडियो शूट कर लेना। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा आगे उसको भी शेयर करूंगा। नेक्स्ट पर गाइज मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो यहां पर गाइज आपको ऑडियो भी लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कुछ अगर आपने म्यूजिक वगैरह यूज़ कर रखा है तो यहां पर गाइज आपको देखने को मिलेगा कि आप इस म्यूजिक को कंट्रोल भी कर सकते हो। जैसे यहां पर मैंने कुछ म्यूजिक लिया है
तो यहाँ पर मैं कंट्रोल पर क्लिक करूँगा, कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाएगा, या वॉइस ओवर भी कर सकते हो, एक्स्ट्रा कुछ आप वॉइस दे सकते हो। मैंने अभी कोई म्यूज़िक नहीं लिया, तो अगर आप यहाँ पर कोई म्यूज़िक लेते हो तो म्यूज़िक का कितना जो है आवाज़ यहाँ पर साउंड आना चाहिए, आपकी खुद की अगर वॉइस है तो उसकी कितनी आपको यहाँ पर वॉइस रखना है, साउंड रखना है, वो आप चीज़ें यहाँ पर जो है सेट कर सकते हो ऊपर नीचे करके। एंड यहाँ म्यूजिक आप जो है देख सकते हो, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक आपको ऑप्शन यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करने का, तो यहाँ पर क्लिक करके आप जो है कुछ टैग्स वगैरह आप लगा सकते हो, और ये ज़रूरी है लगाना भी गाइज, इससे भी आपको एक ज़बरदस्त यार बेनिफिट मिलता है, स्टिकर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर कुछ फिल्टर्स वगैरह मिल जाते हैं। एंड यहीं पर गाइज देखो, अगर आप अपनी वीडियो को जो है शूट करके उसको डाउनलोड करना चाहते हो अदर किसी प्लेटफॉर्म पर भी अगर आपको अपलोड करना है, तो यहाँ पर गाइज डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, विदाउट वाटरमार्क आप अपनी वीडियो को शूट कर सकते हो, उसको अच्छे से एडिट कर सकते हो, एंड उसके बाद ऊपर आपको जो डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हो। ये जबरदस्त आपको ऑप्शन यहां पर मिल जाता है इंस्टाग्राम की तरफ से। नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर दूंगा, तो यहां पर जैसे गाइस आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे ये आपको देखने को मिल जाता है, यहां पर एक जो जबरदस्त है आपको सेटिंग करनी है फर्स्ट में ही गाइस, अपने वीडियो का कवर आपको यहाँ पर एक ज़बरदस्त कवर लगाना है। अब देखो गाइज एडिट कवर का एक ऑप्शन मिल जाएगा यहां पर आपकी जो है वीडियो पर ही, एडिट कवर पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर गाइज आपने जहाँ पर थोड़ा क्लिक वेट किया है या जो आप मेन चीज़ जो आप दिखाना चाहते हो वीडियो का, उसको गाइज आपको यहाँ पर अपनी वीडियो का कवर बनाना है इस तरीके, आपको कुछ एक कवर अट्रैक्टिव कवर लगा देना है, उसके बाद डन पर ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पर गाइज देखो हैश आपको जो राइट एक कैप्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर गाइज आप अपने वीडियो से रिलेटेड टाइटल लगा सकते हो। एंड हैश टैग में गाइज मैं आपको बोलूँगा कि अभी मैंने इस टॉपिक पर भी आपको वीडियो दे दिया है कि आपको कितने हैश टैग्स लगाने चाहिए ताकि आपकी रील्स जो है वायरल हो, आप अपनी जो है इंस्टाग्राम की रील्स वायरल कैसे कर सकते हो, इस पर अगर आपको वीडियो मैंने दे दिया, अगर आपने नहीं देखा देख लो, आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। मैं तो गाइज अपनी जो है रील्स में ओनली हैशटैग रील्स लगा के अपलोड कर देता हूँ। एंड यहाँ पर शेयर टू रील्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो इसको गाइज आप ऑन करके ही रखना, बस आप इस सेटिंग को ऑन कर देना। एंड यहाँ पर टैग पीपल, अगर आप किसी पीपल को जो है टैग करना चाहते हो टैग करना गाइज, अगर आपकी जो है न्यू जो आपका अकाउंट है तो आप जरूर टैग करना, कैसे लोगों को टैग करना चाहिए इस टॉपिक पर भी मैंने आपको वीडियो दे दिया है। अभी यहाँ पर गाइज आपको ऐड टॉपिक्स का देखने को ऑप्शन मिल जाता है, जैसे गाइज मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो गाइज अगर आप यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हो ना, तो गाइज इससे भी आपको एक बेनिफिट मिलता है, और इंस्टाग्राम रील्स का जो सिस्टम है ना उसको पता चलता है कि आपने जो वीडियो बनाई है वो कैसी है, मतलब जो है कट एनिमल्स है, डॉग्स है, फनी एनिमल्स है, मतलब कैसी आपने जो है कैटेगरी यहाँ पर किस कैटेगरी पर आपने वीडियो बनाया है एंड उसको मुझे किसको दिखाना है, उसके सिस्टम को पता चलता है। तो कैटेगरी भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, करना गाइज आपको बेनिफिट मिलेगा। रीनेम ऑडियो, यहाँ पर कुछ अगर आप जो है अपनी आपका वर्जन ऑडियो है ये चीज़ यहाँ पर दिखाएगा। एंड ऐड लोकेशन, अगर आप लोकेशन अगर ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना इसको आप जो है छोड़ सकते हो। सबसे ज़रूरी एंड लास्ट सेटिंग जो है गाइज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, शेयर टू फेसबुक। यहाँ पर गाइज आप अपनी जो रील्स बना रहे हो ये रील्स यार आपके जो फेसबुक पर भी दिखाई जाए या ना दिखाई जाए, तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हो मैंने इसको ऑन कर रखा है, आप भी इसको ऑन करके रखना, आपको ज़्यादा व्यूज़ मिलेगा। बहुत सारे लोग इसको ऑफ कर देते हैं इसलिए उनको व्यूज़ कम मिलते हैं, तो इस चीज़ को आपको जरूर से ज़रूर ऑन करके रखना। यहाँ पर एक ऑप्शन एडवांस सेटिंग का देखने को मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक ज़बरदस्त सेटिंग है जो कि आपको करना चाहिए, हाइड लाइक यहाँ पर काउंट ऑन दिस रील, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि अगर जो है आपका न्यू अकाउंट है, आपकी रील्स पर बहुत अच्छे खासे भी यहाँ पर लाइक्स नहीं जा रहे हैं, तो आप इसको हाइड कर सकते हो। अगर आप हाइड कर देते हो मतलब आप अपने जो है लाइक को छिपा देते हो, तो यहाँ पर जो भी न्यू व्यूअर आएगा ना वो क्या करते हैं, जो भी यार दिखता है ना वही बिकता है। अभी आपको देखेंगे लोग ना कि यार इसकी इस रील पर बहुत ज़्यादा लाइक्स आ रहा है, मेरे यार प्रोफाइल पर आकर चेक करोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि यार मतलब जिस पर लोगों ने देखा कि हाँ यार इस पर लोग लाइक कर रहे हैं वो भी लाइक कर देते हैं, और अगर देखा कि यार इस पर लाइक कम है तो वो भी लाइक नहीं करता है। तो इस चीज़ को अगर आप हाइड कर देते हो गाइस कि मेरा लाइक जो है किसी को दिखाई ना पड़े, तो यार उनको दिखेगा नहीं, यार पता नहीं चलेगा कि यार लाइक्स आया है या नहीं आया, तो यहाँ पर वो चांस जो ज़्यादा बन जाता है कि आपकी लाइक आपकी जो है रील्स पर वो लाइक भी कर दे। तो इस चीज़ को अगर आपका दिल है तो आप हाइड कर सकते हो, या नहीं है तो नहीं कर सकते हो, बट मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करूँगा न्यू अगर आपका अकाउंट है रील्स पर अभी जो है व्यूज़ लाइक्स कम जा रहे हैं तो इसको आप हाइड कर देना। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा
मीडिया अपलोड क्वालिटी अप एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अपलोड एट हाई क्वालिटी। ये गाइज आपको इस चीज़ को भी ऑन करके रखना है, आपकी जो रील्स है वो हाई क्वालिटी में अपलोड की जाए या जो है लो क्वालिटी में, तो इस चीज़ को ऑन कर दोगे तो आपकी जो रील्स है ना वो हाई क्वालिटी में अपलोड करेगा इंस्टाग्राम। एंड उसके बाद सिंपल सा गाइज आपको ऑप्शन मिल जाता है शेयर का, यहाँ पर क्लिक करोगे आपकी जो रील्स है वो शेयर हो जाती है। तो फाइनली गाइज अगर आपको भी मेरी तरह इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स, एक जबरदस्त फॉलोअर्स चाहिए एंड रील्स गाइज आपको हर एक रील्स अगर आपको इंस्टाग्राम पर वायरल करनी है मेरी तरह, तो गाइज मैंने आपको जो है तरीका बता दिया है कि फाइनली इंस्टाग्राम रील्स अपलोड करने का सही तरीका क्या है जिससे आपको एक जबरदस्त अच्छी खासी अर्निंग हो सके। अभी यहाँ पर देखो गाइज मैं अर्निंग की क्या बात कर रहा हूँ, अभी गाइज इंस्टाग्राम की तरफ से एड्स ऑन रील का फीचर आने वाला है, अभी गाइज बोनसेस को इंस्टाग्राम ने रिमूव कर दिया है, अभी गाइज जब आपको इन स्ट्रीम जो है आपको यहाँ पर सॉरी एड्स ऑन प्रोफाइल फीड का भी ऑप्शन देने वाला है जिस पर आप यहाँ पर जैसे मेरी प्रोफाइल पर आओगे तो यहीं कहीं पर आपको बीच में एड्स देखने को मिलेंगे। अगर एड्स ऑन प्रोफाइल फीड के थ्रू मेरी जो है आईडी मेरा प्रोफाइल जो है मोनेटाइज होगा तो यहाँ पर कहीं पर बीच में ऐड दिखाएगा, इससे भी एक जबरदस्त अर्निंग होगी। रील्स बनाकर आप इंस्टाग्राम पर अपलोड करोगे बहुत जल्दी ये ऑप्शन मिलने वाला है। अगर आप रील्स बनाकर अपलोड करते हो एंड एड्स ऑन रील का अगर आपको फीचर मिल गया रील मोनेटाइजेशन का, तो यहाँ पर गाइज आपके जो व्यूज आएंगे, जितने ज्यादा व्यूज आएंगे उस हिसाब से आपको फाइनली इंस्टाग्राम अर्निंग देने वाला है। तो यहाँ पर गाइज अभी आपको व्यूज जो है बढ़ाने हैं और अगर आप जो है अपनी रील्स को सही तरीके से अपलोड करोगे तो गाइज एक अच्छा खासा व्यूज मिलेगा, तभी तो गाइज आपको एक अच्छी खासी अर्निंग होगी। एंड गाइज यहाँ पर जो भी आपको ब्रांड्स मिलते हैं वो भी आपके जो व्यूज है ना उनको देखकर ही आपको पैसा देते हैं, जितना ज़्यादा व्यूज़ आपकी जो है रील्स पर जाएगा उतना ज़्यादा ब्रांड आपको जो है पे करता है एंड एड्स ऑन रील के थ्रू भी उतनी ज़्यादा आपको अर्निंग होने वाली है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल बेल आइकन भैया जरूर प्रेस करना। चलिए गाइस चलते हैं, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।